विश्व प्रसिद्ध उर्स मेला शुरू होने के साथ ही जेब तराश अधिकारियों का जमावड़ा दरगाह शरीफ के आसपास जमने लगा है। दरगाह थाना पुलिस ने ऐसे ही 15 जेब तराश को गिरफ्तार किया है, जो देश के अलग अलग हिस्सों से अजमेर में मोबाइल पर्स मारने में माहिर है। पुलिस ने वीआईपी व अन्य जायरीन को परेशान करने वाले 13 अधिकारियों को भी 151 में गिरफ्तार किया है। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरी नमाज के सालाना 808वें उर्स मेले की रंगत बढ़ने के साथ ही देश विदेश से आने वाले जायरीन के लिए परेशानी भी बढ़ने लगी है। अजमेर शहर में भीड़भाड़ वाले इलाकों में वारदात को अंजाम देने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और बंगाल से शातिर चोर अजमेर पहुंच गए हैं। इन चोरों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया है। इसके बावजूद भी चोर भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देने में माहिर है। ऐसे ही 15 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें से राजू सिंह इन चोरों को शरण देता है और उनसे वारदात करवाई जाती है। पुलिस के अनुसार ये बदमाश कई लोगों की जेब काटते हैं, लेकिन पीड़ित परिवार कार्रवाई से डरते हैं और मुकदमा दर्ज नहीं कराते। पुलिस ने इन्हें सीसीटीवी फुटेज व अन्य शिकायत पर गिरफ्तार किया है। वहीं मेले से पहले भिखारियों ने भी अलग अलग राज्यों से अजमेर पहुंचना शुरू कर दिया है, जो कि लोगों को परेशान करते हैं और उनसे छीना चपटी की वारदातों को भी अंजाम देते हैं। ऐसे ही 13 अधिकारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस जेब तराश पर नजर बनाए रखने के लिए सीसीटीवी फुटेज और सादा वर्दीदारी पुलिसकर्मियों की मदद ली जा रही है। ख्वाजा साहब के 808वें सालाना उर्स के मौके पर जायरों की जेब तराशी करने के लिए देश के कोने कोने से जेब तराश आते हैं, वह भिखारी भी देश के कोने कोने से आते हैं। इसके संबंध में श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में हमने टीमों का गठन किया है, काफ़ी टीमें गठित कर रखी है। जिले के दूसरे थानों से भी जवानों को शामिल किया गया है। उन टीमों द्वारा जो महाराष्ट्र, सूरत, कई जगह से आए जेब तराशों को पकड़ा गया है, जिनमें 15 जेब तराश हैं जो आला दर्जे के जेब तराश हैं। वह 13 भिखारी हैं जो जायरों को प्रेस परेशान करते हैं, भीख के लिए उनके आड़े फिर जाते हैं, चलने नहीं देते, उनकी छीना झपटी की भी कोशिश करते हैं। और जेब तराशों में जिन्होंने जेब तराशी के प्रयास करते हैं, जो जायर उन्होंने पकड़ गया, हमें सौंपाया, कुछ ने जेब तराशी भी करी, लेकिन जायर उन्होंने पैसे तो वापस ले लिए, लेकिन वो क्योंकि दूर दूर से आते हैं तो रिपोर्ट नहीं कराना चाहते, उसमें भी कार्रवाई की गई।